हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इग्निशिया। इग्निशिया का कॉमन नेम है इग्निशियस बिन। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। इसकी फैमिली नेम है लोगैनेशिया। इग्निशिया के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इग्निशिया इज अ फेमस एज अ रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज़ अ वुमेन्स रेमेडी एंड इज फेमिनाइन ऑफ मस्क्यूलाइन नक्स वोमिका। नक्स वोमिका की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मेंशन कर दी है। गो एंड सी द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नक्स वोमिका। इसके स्पेयर ऑफ एक्शन की बात करें तो इग्निशिया प्रिडोमिनेंटली एक्ट्स ऑन एंटायर नर्वस सिस्टम, स्पेशली मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली द होल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इसके पैथोजेनेसिस की बात करें, इट एक्ट स्पेशली ऑन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग कन्वल्जन, स्पैजम, कॉरिया, हिस्टेरिया एंड डिप्सनिया, इंटेंस एक्यूटनेस ऑफ नर्व्स रिजल्टिंग इन हाइपर एनेस्थीशिया, इमोशनल डिस्टर्बेंसेज, इनकोऑर्डिनेशन एंड वेरियस कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स। नेक्स्ट इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात, इसके क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें तो क्लिनिकली हम इसे एंजाइटी के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हम इसे एपेटाइट के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, कॉरिया, कन्वल्जन, कॉन्स्टिपेशन, डेबिलिटी, इपिलिप्सी, हेडेक, क्राउप, फ्लैचुलेंस, हिस्टेरिया, नर्मनेस, हार्ट अफेक्शन, जेनाइटल ऑर्गन्स के अफेक्शन, हीमोरॉइड्स, मेलेंकोलिया जैसे कंडीशंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे इंटरमिटेंट फीवर में यूज़ कर सकते हैं, लोकोमोटर एटैक्सिया, मेस्ट्रुअल डिसऑर्डर, पैरालिसिस, स्लिप एंड थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके कंस्टिट्यूशन की बात करें तो फिजिकल मेकअप, डार्क लुकिंग लेडी विद डार्क हेयर एंड डार्क कम्प्लेक्शन, टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट, वेरी सेंसिटिव, ईजीली एक्साइटेड, क्विक इन परसेप्शन एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट इसके रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड की बात करें तो देर इज नो डेफिनेट स्टैम्पिंग कैन बी मेड ऑन दिस एस्पेक्ट ड्यू टू द कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर ऑफ द ड्रग। द पेशेंट इज हाउएवर अफेक्टेड बाय कोल्ड, पेन, टच, ऑडर, नॉइज एक्सेट्रा। माइजम में सोरा इज इन द बैकग्राउंड। नेक्स्ट इसके गाइडिंग इंडिकेशंस की बात करें, इट इज अ रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन सिम्टम्स सच एज रोरिंग इन ईयर रिलीव बाय म्यूजिक, सो थ्रोथ रिलीव बाय स्वैलोविंग सॉलिड, लिक्विड इज मोर पेनफुल देन सॉलिड टू स्वैलो, कफ इज एग्रवेटेड बाय मोर कफिंग। नेक्स्ट सिम्टम इज दैट कफ मोर ऑन स्टैंडिंग, लेस और नील ऑन वॉकिंग, एम्प्टी फीलिंग इन द स्टमक नॉट रिलीव बाय ईटिंग, पाइल्स रिलीव व्हेन वॉकिंग, पाइल्स प्रोट्यूड व्हेन द स्टूल इज सॉफ्ट बट नॉट ड्यूरिंग हार्ड स्टूल। नेक्स्ट सिम्टम इज दैट प्रोलैप्स ऑफ एनस विथ सॉफ्ट स्टूल, स्पैस्मोडिक लाफ्टर फ्रॉम ग्रीफ इंस्टेड ऑफ वीपिंग, सेक्शुअल डिजायर विथ इम्पोटेंसी, थर्स्ट ड्यूरिंग चिल एंड हीट विदाउट थर्स्ट, रेड फेस ड्यूरिंग चिल, पेल ड्यूरिंग हीट। दीज आर द सिम्टम्स। मेंटल कंडीशन, सडन चेंज फ्रॉम जॉय टू सोरो एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिव टू ऑल एक्सटर्नल इम्प्रेशन सच एज पेन, टच, ऑडर, नॉइज एक्सेट्रा, पेन ऑन अ स्मॉल स्पॉट दैट कैन बी कवर्ड विद द टिप ऑफ फिंगर। नेक्स्ट सिम्टम इज दैट देर इज ऑल सिम्टम्स आर कॉज्ड एंड एग्रीवेटेड बाय टोबैको, देर इज अल्टर इनएबिलिटी टू टॉलरेट टोबैको इन एनी फॉर्म, देर इज स्वेट ऑन फेस और ऑन द टिप ऑफ द टिप ऑन द नोज ऑन अ स्मॉल स्पॉट वनली वाइल ईटिंग, डिजायर फॉर कोल्ड फूड, एसिड थिंग्स, ओनियन, फ्रूट, ब्रेड, बटर, ग्रेट वेराइटी ऑफ अनडाइजेस्टेड थिंग एंड वॉन्ट टू बी अलोन, एवर्जन टू वॉक, एवर्जन टू वर्क, मीट, मिल्क, वार्म फूड, ओपन एयर एंड मेंटल एक्सर्शन। इसके माइंड कंप्लेंट्स की बात करें तो इग्निशिया पेशेंट डेवलप पेक्यूलर मेंटल कंडीशन विच आर एज फॉलो। मेंटल सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय इल इफेक्ट ऑफ बैड न्यूज, फ्राइट, एंगर, ग्रीफ, वेक्सेशन, डिसअपॉइंटेड लव, सप्रेस्ड सेक्शुअल डिजायर, रिजर्वड डिसप्लेजर and a feeling of shame and mortification. Mental condition, here there is a rapidly changing mental condition from laughing to weeping, from joy to sorrow, one moment excessively happy, the next moment is rage, etc. The patient brood in solitude over imaginary troubles, full of suppressed grief, desire, want to be alone, moody,
टैकेडन सैड मेलेंकोलिक एंड इनडिफरेंट देर इज वीकनेस ऑफ मेमोरी अनरीजनेबल स्लाइटेस्ट फॉल्ट फाइंडिंग और कॉन्ट्राडिक्शन एक्साइट्स एंगर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पेशेंट. नेक्स्ट मेंटल कंप्लेंट इज दैट फाइनली सेंसिटिव मूड इज प्रेजेंट इनकन्सिस्टेंट इम्पेशेंट इरेसोल्यूट एंड क्वारलसम. Good nature when well, but quickly disturbed by slightest emotion and easily offended. Person physically and mentally exhausted by long continued and concentrated grief. There is great anxiety as if some unpardonable crime has been committed by her. Fearful and timid, busy and restless, commits mistakes on talking and writing. Child when scolded or sent to bed gets sick and has convulsion in sleep. Consolation aggravates all the troubles. Next, इसके particular symptoms की बात करें तो ignitia को particularly हम headache condition में use कर सकते हैं. इसके साथ हम इसे respiratory symptoms में use कर सकते हैं. GIT के symptoms में हम इसे use कर सकते हैं. Convulsion and menses के complaints में हम इसे use कर सकते हैं. Next, general modalities की बात करें तो aggravation is from tobacco, coffee, alcohol, contact, touch, motion, strong odor, mental emotions, grief, anger and suppressed mental sufferings. Amelioration is from warmth, heart pressure, swallowing, walking, etc. So this was all about Ignitia drug picture. Thank you for watching.